Download the VMC Guru app for free live classes, doubt clearance, and study resources. Everyone, and welcome to the session of error analysis. This is Saurabh from Vidyamandir Classes. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ये यूनिट्स डायमेंशन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम छोटे छोटे वीडियोस 20 टू 30 मिनट्स के रिलीज कर रहे हैं. उसमें ही उसी सीरीज में ये एरर एनालिसिस का एक वीडियो जो है वो मैं आज आपके सामने रिलीज कर रहा हूँ. ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत डिटेल में एरर एनालिसिस की बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो हम पूरे चैप्टर का एक अलग से भी बना रहे हैं. इसमें एग्जांपल्स हम लेंगे बट एक्सक्लूसिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसका वीडियो एक अलग से भी. ठीक है, एरर एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं कि एरर्स क्या है. एरर्स, एरर एक ऐसी चीज है जो हम लोग डेली करते हैं. ठीक है, अगर हम अपने लेमैन लैंग्वेज की बात करें, एरर एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग डेली करते हैं. ठीक है, अब एरर कैसे होती है. एरर तो एरर कैसे भी हो सकती है बट हम उन एरर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो हम डेली करते हैं या जो हम अपने एग्जाम में करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर 95 से 85 हो जाते हैं, 95 से 90 हो जाते हैं. मम्मी पूछती है कितने परसेंटेज आएगी, आपको 90 आएगी और आती है 80, है ना. हम उस एरर की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक एरर. ठीक है, साइंटिफिक एरर मतलब जो एरर हमें रीडिंग लेने में, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, किसी चीज की मेजरमेंट करने में जो एरर आती है, हम उस एरर की बात आपसे कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यह है कि एरर जो होगी वो कैसे होंगी. अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, किसी भी तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, तो उस रीडिंग में, उस मेजरमेंट में जो एरर आती है उसी को हम यहाँ पर एरर में काउंट करते हैं. एरर जो है वो दो तरीके की हो सकती है एज पर जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की अगर हम बात करते हैं. एक एरर कहलाती है सिस्टमैटिक एरर. और दूसरी एरर कहलाती है रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है? सिस्टमैटिक एरर वो है जो इक्विपमेंट के अंदर कोई फॉल्ट हो उसकी वजह से आती है और इस एरर को हम लोग सही कर सकते हैं. कि सपोज करिए कि आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके अंदर जीरो एरर है. ठीक है, तो आप उस जीरो एरर को रिमूव करके उसको ठीक कर सकते हैं. एक थर्मोमीटर है जो फॉल्टी है, आप नया थर्मोमीटर लेके उसको एरर को ठीक कर सकते हैं. आपके पास स्केल है जिसके बीच के डिविजन खराब हो गए, मिट गए हैं, तो आप एक नया स्केल लेके उसको रिमूव कर सकते हैं. तो इन एरर्स जिनको हम रिमूव कर सकते हैं उन्हें हम सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं. रैंडम एरर कौन सी होती है? रैंडम एरर वो होती है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते कि हमसे रीडिंग पढ़ने में गलती हो गई, हमसे एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई गलती हो गई. सपोज करिए सिंपल पेंडुलम का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऊपर फैन चल रहा है, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम इसको रैंडम एरर कहेंगे. सिमिलरली अगर हम मान लीजिए कि हमें सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में जो थ्रेड की लेंथ है उसको मैं मेजर कर रहा था, वो मैंने स्केल से गलत पढ़ ली. ठीक है, मान लीजिए वो 90 सेंटीमीटर थी, मैंने 91 पढ़ ली या मैंने 89 पढ़ ली, तो ये जो एरर हुई ये रैंडम एरर. ठीक है, यानी जो एरर जो है हमारे कंट्रोल के बाहर थी, ह्यूमन एरर बेसिकली, है ना. ह्यूमन एरर जो ह्यूमंस जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जो रीडिंग को ले रहे हैं, उनके द्वारा की गई एरर जो है उसे हम जो है क्या बोलेंगे, रैंडम एरर. फिर से एक बार, सिस्टमैटिक एरर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, रैंडम एरर वो जो ह्यूमंस की वजह से है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते. अब बात ये आती है कि भाई अब अगर एरर है
और एरर्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो एक्चुअल रीडिंग कैसे आएगी। आप सभी लोगों ने 10th तक कुछ प्रैक्टिकल्स किए होंगे, 9th में कुछ, 10th में। जो 12th पास वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने 11th और 12th में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। और आप जानते हो, चाहे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, चाहे फिजिक्स का करो, चाहे केमिस्ट्री का करो, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक रीडिंग नहीं देते, आप 3 या 5 रीडिंग लेते हो, है ना। नॉर्मली 5 रीडिंग को अच्छा माना जाता है, वैसे जितनी ज्यादा हम रीडिंग ले लें उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स में 5 रीडिंग या 5 रीडिंग्स लेते हैं, जल्दीबाजी होती है तो 3 रीडिंग्स भी ले लेते हैं, जब हमें फटाफट एग्जाम आ रहा होता है, प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बनी हुई होती है और किसी की कॉपी करनी होती है तो हम 5 की जगह पर 3 रीडिंग ले लेते हैं, है ना। तो वो तो हमारी बात है, बट जो साइंटिफिक मेथड है वो ये कहते हैं जितनी ज्यादा रीडिंग ले सकते हैं उतनी ज्यादा रीडिंग्स हमें एक्सपेरिमेंट में लेनी चाहिए, ठीक है। अब फिर बात है कि एक्चुअल वैल्यू कैसे आए। अब एक्चुअल वैल्यू के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट में भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है, तो अब एक्चुअल वैल्यू का क्या करें। तो देखिए, एक्चुअल वैल्यू का तो कुछ करा नहीं जा सकता, उसका जो जो प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर है, हम उसी को फॉलो करके एक्चुअल वैल्यू की बात, ठीक है। तो देखते हैं कि एरर्स कैसे होते हैं और हम उनको किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने कैलकुलेशंस में हम किस तरीके से उन्हें करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया या मेरे से कहा गया कि भैया एक जो है ये जो एप्पल पेंसिल है जिससे मैं लिख रहा हूँ इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। सपोज करो मेरे से कहा गया कि जिस पेंसिल से आप लिख रहे हो इसकी लेंथ बताओ। मैंने क्या करा, मैंने एक स्केल लिया और इसकी लेंथ मेजर की, ठीक है। अब हमने इस स्केल की लेंथ मेजर करी, स्केल से इस पेंसिल की लेंथ मेजर करी, मान लीजिए एक बार मेरी रीडिंग जो आई, इससे x1 रीडिंग का नाम ले लेते हैं, वो आई 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरे पास आई दूसरी रीडिंग, लेट अस से 10.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मेरे पास एक रीडिंग आई, लेट अस से 9.9 सेंटीमीटर, ऐसे करके मैंने 3 रीडिंग ले ली, मैं 4, 5, 6 कितनी भी रीडिंग ले सकता हूँ। अब मेरे लिए एक्चुअल वैल्यू क्या है, मेरे लिए एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू, इनका मीन ले लेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी या मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू will be equal to, इसको हम x भी लिख सकते हैं या हम x bar भी लिख देते हैं, क्योंकि bar normally जो symbol है वो mean का symbol है, इसलिए हम इसको x bar भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने x से x bar लिख दिया और मैं add कर रहा हूँ 10.0 plus 10.1 plus 9.9 divided by, ठीक है बेटा। तो जो x बार की वैल्यू आई वो क्या आ गई, x बार की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 plus 10.1 plus 9.9 ये 30.0, तो 30.0 divided by 3 is equal to 10.0, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई। 10.0 हमने लिखा है, आप मेरा सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्यों ये 10.0 जहां पे लिखा होता है उसे क्यों लिखना होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है हमारे मेजरमेंट्स के अंदर, राइट। तो ये हमारी एक्स बार, अब हमें ये इसको अब हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट दिस एज आवर एक्चुअल वैल्यू। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें एरर कैलकुलेट करना है। अब हम एरर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एरर तो देखो, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स वन क्या हो गया भैया, 10 minus 10, 10.0 minus 10.0, यानी यहां पे एरर जो आया वो 0.0 आया, मतलब कोई एरर नहीं, ठीक है। दूसरी रीडिंग में एरर क्या है, तो 10.0 minus 10.1, आप अभी लिख लेते हैं हम इसको -0.1, वैसे एरर में नेगेटिव जैसी कोई चीज होती नहीं है, अभी इसके आ रहा हूं, ठीक है। थर्ड रीडिंग में लिखेंगे, थर्ड रीडिंग में एरर क्या आ गई भैया, थर्ड रीडिंग में एरर आ गई 10.0 minus 9.9, यानी 0.1,
ठीक है, तो ये एरर आ गई तीनों रीडिंग्स में। अब इसको ये क्या हो गई, एरर हो गई। अब हम इसको एक्चुअली कैसे लिखेंगे, एक्चुअली हम इसको लिखेंगे जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जिसको हम एरर, राइट। सो मीन एब्सोल्यूट एरर और एरर जिसको हम बोलेंगे एरर, अगर कहीं पे आपको वर्ड एरर लिखा मिले इसका साफ मतलब है कि वो मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एरर विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसमें बेटा माइनस साइन नहीं लगाना है, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 3, यानी 0.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं या हम इसको डेल्टा एक्स बार भी लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं या डेल्टा एक्स बार भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू बेटा यहां पर कितनी आ गई, 0.2 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.016 आ जाएगा, यही आपकी क्या होगी यहां पर एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब इसको हम क्या करें, इसको अब हम जो है साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि लेट द ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट आर, ठीक है, लेट अस से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू XN, ठीक है, जितनी रीडिंग आप ले, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आप करेंगे, ठीक है, the actual or measured value or measured value x or x bar will be what sigma xi from i is equal to 1 to n divided by, ऐसे ले सकते हैं, sum of all the quantities divided by number of quantities, ठीक है, hence the corresponding errors, hence the corresponding, ठीक है, तो डेल्टा एक्स वन विल बी एक्स बार माइनस एक्स, डेल्टा एक्स टू एक्स बार माइनस एक्स टू, ठीक है, सिमिलरली डेल्टा एक्स एन विल बी एक्स बार माइनस एक्स, ठीक है। सो द एब्सोल्यूट एरर और द मीन एब्सोल्यूट एरर, सो द मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स बार, दिस विल बी व्हाट, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस एंड सो ऑन up to delta xn up on n, delta xn upon n, right? तो ये जो है इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट, अब देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया यहां पर कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, इसकी वैल्यू को आप हमेशा कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू को आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही लिखोगे, इसकी वैल्यू को आप हमेशा पॉजिटिव ही
लिखोगे। तो वैल्यू को पॉजिटिव लिखने का मतलब हम उसका मॉड लिखें। आप सब लोग मॉड जानते होंगे, प्लस हो या माइनस, मॉड की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। प्लस हो या माइनस हो, मॉड की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, मैंने उस समय इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट कराना चाहता था। तो 2/30 बेसिकली हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे तो ये हो गया 0.01 तक, दो प्लेस तक ही छोड़ देते तो 0.01 होता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे, अब यहाँ पे हमें क्या करेक्शन करना होगा, अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम इसका सबका मॉड ले लेंगे सबका मॉड ले, ठीक है। मॉड मेरे को लगता है सबको पता है कि मॉड क्या है, मॉड मीन्स द पॉजिटिव, राइट। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट, नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट द एरर, रिप्रेजेंट द एरर, यानी अब हमें ये बात पता चल गई कि जैसे हमने जो फर्स्ट पेज में कहा कि हमसे कितनी गलती हो सकती है, 0.01 की गलती हो सकती है, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स बार की हमसे गलती हो सकती है, यानी हम किसी भी क्वांटिटी को डेल्टा एक्स ज्यादा नाप सकते हैं या डेल्टा एक्स कम नाप सकते हैं। जैसे पेंसिल की लेंथ जो हमने नापी थी 10 की जगह पे, या तो हमने 10.1 नाप ली थी या 9.9 नाप ली थी, यानी 0.1 ज्यादा भी नाप सकते थे और 0.1 कम भी नाप सकते, ठीक है। एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एरर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि x इज इक्वल टू, देखिए हमने एक्चुअल वैल्यू क्या लिखी है, x या x बार, तो x प्लस माइनस डेल्टा x क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब x की वैल्यू x माइनस डेल्टा x से x प्लस x के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है, which means the value of capital X can lie between X minus delta X to X plus डेल्टा एक्स, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको और बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो मतलब इतना आपने रेंज ले लिया, इससे ज्यादा गलती नहीं कर सकते आप, है ना भाई। अगर मान लीजिए इस पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थोड़ी ना नाप लूंगा, ठीक है, वो तो फिर बेवकूफी हो जाएगी, वो फिर साइंस रही नहीं, है ना। वो तो ये कि आपने सड़क चलते सब्जी वाले से कहा कि भैया बता दो कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो वो भी कुछ भी बोल देगा। तो उस तरीके की बात नहीं करनी, साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि एक आप मेजरमेंट ले रहे हो उसमें छोटी मोटी गलती हो सकती है, और ये गलती बहुत छोटी है तो कहां से कहां तक हो सकती है, कुछ पहले और कुछ बाद में, यानी कुछ कम या कुछ ज्यादा। तो जो रेंज हो गई क्वांटिटी की मेजरमेंट की, वो हो गई एक्स माइनस डेल्टा एक्स से लेके एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट। तो ये बात हमने यहाँ पे खत्म। अब हम एक तो बात होगी रिप्रेजेंटेशन, अब एरर को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ एरर कैन बी रिटन इन, अब एक तो एरर मैंने आपको मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिख के दिखा दिया, ठीक है। एरर कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। एरर को इन तरीके से भी लिखा जा सकता है, किन तरीकों से, तो मैं आपको दो तरीके और बता रहा हूं लिखने के, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया हमारा रिलेटिव और फ्रैक्शनल, रिलेटिव और फ्रैक्शनल, इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी एरर अपॉन द क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के अंदर आप एरर को कैलकुलेट कर रहे हो उसके अंदर कितना एरर डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी। और दूसरे तरीके से हम जो लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं परसेंटेज, बेटा परसेंटेज एरर का जाहिर सा मतलब है कि इसको क्या करना है 100 से
मल्टीप्लाई कर देना है. सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100. ये क्या हो गया कि परसेंटेज है. अब जैसे सपोज करो कि आपने जो है आपको दिया हुआ है कि सपोज length of a rod is 2 plus minus 0.2 meter. तो इसके अंदर fractional error क्या होगी? इसके अंदर fractional error क्या होगी? तो हमने लिखा fractional error या relative error, एक ही बात है बेटे, 0.2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, बस. परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर होगी बेटा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. तो देखो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 हुआ तो कितना हो गया, ये 10%. इट इज इक्वल टू 10%. बात समझ में आती है? This is equal to 10%. अब यानी इसका मतलब ये है कि हम जो था रॉड की लेंथ जो है दो तरीके से लिख सकते थे. रॉड लेंथ जो है एक तो हमें ऐसे लिख के मिल गया कि 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है. इसको हम एलिटरी या दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते थे 2 प्लस माइनस 10%. यानी इसमें एरर कितने परसेंट की है? 10% की एरर, ठीक है. यानी रॉड की लेंथ जो है बेटा वो कहां से कहां वेरी कर सकती थी? 1.98 से लेके 2.2 के बीच में वेरी कर सकती है. यही इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, ठीक है. तो वर्स्ट केस में बॉटम क्या है इसका? 1.8 और इसका टॉप क्या है? 2.2. यानी जो लेंथ है वो इसके बीच में कहीं लाई करें, तो ये 10% की एरर यहाँ पर दिखती है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई कि हम एरर को कैसे कैसे लिख सकते हैं. तो एक हमने आपको तरीका बताया कि एक आप लिख सकते हो जो है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, और दूसरा तरीका है लिखने का कि आप लिख दो परसेंटेज एरर के फॉर्म में. दोनों तरीके खूब यूज किए जाते हैं, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने हम जा रहे हैं वो है प्रोपोगेशन ऑफ, और इसी पे ही 90% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फ्रेम होंगे, ठीक है. प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स. अब एरर प्रोपोगेट कैसे होती है, ठीक है. तो प्रोपोगेट होने का मतलब क्या होता है बेटा? फैलना, है ना, फैलना. जैसे व्हाट्सएप पे झूठी खबर फैलती है ऐसे ही एरर कैसे फैलते हैं, ठीक है. अब देखो सपोज करो कि हमसे कहा गया कि एक हमारे पास पेपर है और हमसे कहा कि इसका एरिया कैलकुलेट करो. तो क्या हुआ कि आपने लेंथ मेजर करी और उसकी ब्रेथ मेजर करी. लेंथ के मेजरमेंट में गलती कर दी और ब्रेथ के मेजरमेंट में भी गलती हो गई. तो जब एरिया कैलकुलेट हुआ तो वो एरर क्या हुई? प्रोपोगेट हो गई आगे की तरफ. लेंथ में गलती और ब्रेथ में गलती, दोनों में गलती. गलती मल्टीप्लाइड बाय गलती इज अ बिगर गलती, राइट. सो दिस इज हाउ द एरर गेट्स प्रोपोगेटेड. जैसे सपोज करिए कि दो रॉड एक साथ रखी हुई है, ऐसे दो पेंसिल एक के साथ एक रखी, पूछा टोटल लेंथ बताओ. पहली पेंसिल की लेंथ गलत नाप ली, दूसरी पेंसिल की लेंथ गलत नाप ली, तो गलती प्लस गलती इज इक्वल टू बड़ी गलती, ठीक है. तो ऐसे करके एरर क्या हो रही है? प्रोपोगेट हो रही, ठीक है. आपसे कहा कि किसी चीज की डेंसिटी निकालिए, आपने उसका मास मेजर किया, फिर आपने उसकी वॉल्यूम मेजर करी. अब मान लीजिए वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अब आपने छोटी 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 गलती सब जगह कर डाली, तो डेंसिटी में तो और बड़ी गलती हो गई. मास भी गलत हो गया, लेंथ भी गलत थी, ब्रेथ भी गलत थी, हाइट भी गलत थी, और सबको मल्टीप्लाई करा तो वॉल्यूम और गलत हो गई, और मास को उस गलत वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो खूब गलत डेंसिटी आ गई. तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर. दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है. मैं उसके डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं. आप लोग सोचेंगे कि डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं
क्योंकि उसके अंदर काफी जगह कैलकुलस डिफरेंसिएशन इन्वॉल्व है। और जो बच्चे अभी अभी 11th में आए हैं वो बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं होंगे उस डिफरेंसिएशन से, और जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए इसकी कोई अब डेरिवेशन की वैल्यू नहीं है, उनके लिए सिर्फ इसका मतलब है जो फाइनल फार्मूला है उसको याद करना है, क्योंकि उनको ड्राइव करने को आएगा नहीं। ठीक है, उनको तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम अब दे रहे हैं, जेईई दे मेंस देंगे, जेईई एडवांस देंगे, बिट्स देंगे, वीआईटी देंगे, आईपी देंगे, है ना, तो जो भी एग्जाम आपके स्टेट के होंगे वो देंगे, आप यूपीटी को देंगे, सो मनी सो एग्जाम आते हैं, तो उसके अंदर डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन को मिस ऑफ कर रहे हैं क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट एज सच है। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं सम और डिफरेंस ऑफ पॉइंट, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सम और डिफरेंस ऑफ पॉइंट, सम और डिफरेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है q विच इज a प्लस b, राइट, तो जो इनके रूल क्या है, रूल ये है कि जो इनके अंदर एब्सोल्यूट एरर होती है उसको भी ऐड कर दिया जाता है, यानी डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है, जो एरर आएगी इसके अंदर डेल्टा क्यू वो क्या होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा या जो फाइनल लिखा कैसे जाएगा, वो होगा q प्लस माइनस डेल्टा, राइट, तो ये तो हो गई सम की बात। अच्छा, डिफरेंस में भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक है, डिफरेंस में भी यही रूल फॉलो होगा, वहां पे कोई अलग रूल फॉलो नहीं होगा, q इज इक्वल टू a माइनस b अगर, तो डेल्टा q यहां पर भी बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही है। ठीक है, अब मान लो जैसे तुमसे कहा कि दो मैंने पेंसिल साइड टू साइड रखी है कि दोनों के लेंथ मेजर करो, ठीक है, तो आपने इसकी मेजर कर ली 10 थी, इसकी मेजर कर ली 10.1 और इसकी मेजर कर ली 9.9, तो अब आप कह रहे हो कि जो टोटल आ गई वो सही आ गई लेंथ, है ना, बट ये साइंटिफिकली गलत हो गया, वैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि एरर जीरो हो गई है, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू हैव मेजर्ड द रॉन्ग वैल्यू। अगर इसी से हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं वॉल्यूम की, डेंसिटी की और सो ऑन सो फोर्थ, तो वो गलती पे गलती बढ़ती चली जाएगी, इसलिए एरर सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होते, इसलिए एरर हमेशा एड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो रिप्रेजेंटेशन है या जिस तरीके से लिखा जाएगा फाइनल वैल्यू वो लिखी जाएगी क्यू प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, अब इसको जैसे इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटा सा, कि इलस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इस बात का, इलस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। सपोज द लेंथ, या ऐसे करते हैं, 10th क्लास सब लोग पास कर चुके हैं, रेजिस्टेंस सब लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में सीधे ऐड करे जाते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स आर आर वन इज इक्वल टू टू प्लस माइनस 0.1 ओम्स एंड R2 is equal to 3 plus minus 0.2 ohms. Yeah. Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance if they are in series. If they are in series, ठीक है बेटा, तो दो रेजिस्टेंस हमें दे दिए हैं और दोनों सीरीज में हैं, और क्वेश्चन हमसे कहता है कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दो क्या है। तो हम सब लोग जानते हैं R is equal to R1 plus R2। तो R क्या हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस R1 है 2 और रेजिस्टेंस R2 है 3,
तो कितना हो गया बेटा 2+3 5 वोल्ट्स। अब हमें इसके अंदर एरर निकालनी है, अब हमें इसके अंदर एरर निकालनी, तो डेल्टा आर वन कितना है बेटा 0.1, ठीक है, डेल्टा आर वन है 0.1 और डेल्टा आर टू है 0.1। ऊपर के रूल से जो एडिशन का रूल है वो कहता है कि डेल्टा आर विल बी इक्वल टू डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू विच इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.2। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बच्चों वो क्या आया 5 प्लस माइनस 0.3 ओम्स, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो क्या आया 5 प्लस माइनस 0.3 ओम्स। तो ये रूल जो है एडिशन का वो दोनों जगह पर क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन काम करेगा, ठीक है। अभी हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है यूनिट डायमेंशन के सारे तरीके के चीजों पे, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात हो गई सम एंड डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज की, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, दोनों के अंदर सेम रूल है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटीज, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज हैं, चार क्वांटिटीज हैं, उनको हमने क्या कर रखा है मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एरर्स किस तरीके से दिखेंगे। अगर हमारे पास है कि Q is equal to A into B, मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसको मैं लिख सकता हूँ Q is equal to A into B, इस केस में रूल क्या कहता है, व्हाट इज द रूल, रूल सेज कि डेल्टा Q अपॉन Q, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर की बात हो जा रही है, डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन, सो डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा, यानी यहां पर क्या है रिलेटिव एरर्स आर बीइंग एडेड अप। तो इसमें मैं रूल को अगर लैंग्वेज में लिखूं तो लिखूंगा रिलेटिव एरर्स आर, और अगर हम प्लस माइनस वाले को अगर हम इसको रूल में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर आर एड, ठीक है। तो ये हो गई बात, अब जब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे बच्चों तो Q प्लस माइनस डेल्टा Q करेंगे, अब हमें यहां पे आ रही है डेल्टा Q, तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो हो जाएगी, देखो इसको ऐसे सिंपल सिंपल सी बात है, वही कैलकुलेशन जो आप बचपन से कर रहे हो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू, तो डेल्टा क्यू हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो हो गया, रिप्रेजेंटेशन दैट इज क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू, ठीक है। ये हो गई बात मल्टीप्लीकेशन की, अब बात करते हैं अगर अब इसमें इसमें कोई नहीं, इसमें अगर मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी क्वांटिटीज हो, जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास हो कि Q इज इक्वल टू X इंटू Y इंटू Z, राइट, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो क्या लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन X प्लस डेल्टा Y अपॉन Y प्लस डेल्टा Z अपॉन Z, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और भी होती तो और भी ऐसे लिखते चले जाते, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, ठीक है। डिविजन ऑफ division of quantities, division of quantities, division में क्या है कि जैसे suppose करो कि Q is equal to, वो हमारे पास कि Q is equal to A upon, अब डिवीजन हो गया पर रूल सेम है, अभी भी रूल कौन सा वाला लगेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा, रूल कौन सा लगेगा मल्टीप्लीकेशन का ही लगेगा, यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू
is equal to delta A upon A plus delta B upon. यानी यहां पर भी रूल अगर लिखे तो क्या लिखेंगे बच्चों, रिलेटिव एरर आर एडेड. यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा Q is equal to, मतलब Q नहीं लिखना चाहिए, representation उससे जो quantity के हो जाएगा, representation हो जाएगा Q plus minus delta. एक last rule और है, वो है powers और exponents. ठीक है, तो power और exponents. अगर इन सब पे किसी पे भी power चढ़ी हो, तो rule किस तरीके से काम करता है? तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा. इसके सिवाय अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो डिफरेंशिएशन की बात अभी हम करेंगे नहीं. कि सपोज करो, मैं एक बड़ा जनरल सा ले लेता हूं कि सपोज Q जो दे रखा है मेरे को, दे रखा है x की पावर a y की पावर b डिवाइडेड बाय z की पावर c और मुझे इसके अंदर एरर. ठीक है, तो मैं कैसे लिखेंगे एरर, हम कैसे लिखेंगे एरर, डेल्टा Q अपॉन Q. तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर जो है वो उस पावर एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. यानी एक्स के अंदर की जो रिलेटिव एरर है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, ए से. वाई के अंदर जो रिलेटिव एरर है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, बी से. जो जेड के अंदर रिलेटिव एरर है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, सी से. और हम यहां पर लिखेंगे ए इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस सी इंटू डेल्टा जेड बाई. इस तरीके से एरर की रिप्रेजेंटेशन होती है. बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यही वाली चीज होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, और क्या ले सकते हैं रूल में, द पावर्स द एक्सपोनेंट्स, द पावर्स और एक्सपोनेंट्स आर मल्टीप्लाइड विद द रिलेटिव एरर्स, आर मल्टीप्लाइड विद द रिलेटिव एरर्स. ठीक है, तो जो जो पावर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई. ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं. अब इसमें ना कुछ एग्जाम्पल से आपको कई सारी चीजें समझ आएंगी. जैसे दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू टू बाई रूट एल बाई जी. ठीक है, रिप्रेजेंट इट्स एरर. ठीक है, मुझे इसकी एरर लिखनी है, रिप्रेजेंट इट्स एरर. बाकी क्वेश्चन तो जब होंगे जब हमें रिप्रेजेंटेशन करना आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें बेटा बात क्या है कि देखो टाइम पीरियड के अंदर एरर निकाल, तो 2 पाई ना न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो 2 पाई के अंदर तो कोई एरर होती नहीं. 2 पाई जो है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई एरर नहीं होगी, तो उसके बारे में नहीं बात कर रहे. ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन टी. अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2. तो एल की पावर भी 1/2 है और जी की पावर भी 1/2 है. एक की न्यूमरेटर में है, एक की डिनोमिनेटर में है, बट हम जानते हैं कि डिविजन हो या मल्टीप्लीकेशन जो फ्रैक्शनल एरर है वो एड. डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई. अगर जी हमसे अलग से नपटा है, वैसे जी नॉर्मली कॉन्स्टेंट है, तो अगर वो जी को कॉन्स्टेंट दे देते हैं तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा. तो इफ जी इज गिवेन कॉन्स्टेंट इन द प्रॉब्लम, इफ जी इज गिवेन कॉन्स्टेंट इन द प्रॉब्लम डेल्टा जी विल बी. ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं.
आईआईटी का हुआ प्रॉब्लम है वैसे, ठीक है, बट मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं साइड ऑफ क्यूब इज ए, ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया विद एरर। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में करेंगे कि हमें करना क्या होता है। एरिया जो है वो है 6a2। अब 6 जो है यहाँ पे यूनिवर्सल, वो 6 जो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। अब न्यूमेरिकल कांस्टेंट है तो उसके अंदर कोई एरर होगी, ठीक है, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा ए, ठीक है। अब क्योंकि ए स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस इनटू डेल्टा स्मॉल ए अपॉन ए। तो जो एरिया में जो साइड में गलती है उसको इससे मैं, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक थ्योरी है एरर एनालिसिस की। अगर आप ये रूल्स याद रखते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल रूल्स हैं। और ध्यान रखें जेई मेन जेई एडवांस सब के अंदर नीट बिट्स कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सारे रूल्स को रिवाइज करना है, सारे रूल याद रखने हैं, जो इतनी बातें मैंने कही बहुत संक्षिप्त में बहुत कंसाइज तरीके से मैंने आपको एरर का पूरा ज्ञान दिया। आपके स्कूल के एग्जाम से लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक सारी चीजें इसी से क्लियर हो जाएंगी और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। अब हमें क्या नहीं करना है, हमें खुद एरर नहीं करनी है, एरर के सवाल सॉल्व करने में हमें एरर नहीं करना, ठीक है, कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, हमें जहां पे एब्सोल्यूट एरर लगानी है वहां रिलेटिव नहीं लगाएंगे, जहां रिलेटिव लगानी है वहां एब्सोल्यूट नहीं लगाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग इसको अच्छे से काम करेंगे। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टडी लाइव विद बीएमसी। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स ऑफ यूडीएम व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी interesting section, mind it. For more such videos, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon.